इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की सेकेंड वेव रोकने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लॉकडाउन का तरीका अपनाया जा रहा है। दिल्ली यूपी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है तो तमिलनाडु और कर्नाटक ने भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। महामारी की सेकेंड वेव की पीक आ चुकी है या नहीं, इसे लेकर एक्सपर्ट्स में मतभेद है और इसीलिए भले ही नेशनल लेवल पर लॉकडाउन न लगाओ लेकिन अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नाम से कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने की कोशिश की है। बिना केंद्र सरकार के ऐलान के, बिना प्रधानमंत्री की स्पीच के इंडिया लगभग नेशनल लेवल के लॉकडाउन में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से असम तक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 17 मई तक फुल लॉकडाउन है। तमिलनाडु में कल से 24 मई तक यानी 15 दिनों का लॉकडाउन लग रहा है। असम में नाइट कर्फ्यू से लेकर लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदियां लगी हैं। तो गुजरात के लगभग सभी बड़े शहरों में 12 मई तक लॉकडाउन है। केरल में 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगा है। पड़ोसी कर्नाटक में भी 15 दिन का फुल लॉकडाउन है। यूपी और दिल्ली ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है और मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों और जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 15 मई तक का लॉकडाउन लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश में 6 मई से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है। बस तकनीकी रूप से ही नेशनल लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है, बाकी कोरोना की सेकंड वेव की भयावहता को देखते हुए पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत लॉकडाउन के शिकंजे में है। कहीं इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है तो कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं पर फुल बंदी तो कहीं पार्शियल लॉकडाउन। उत्तर में पंजाब से पूरब में पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम में राजस्थान से पूरब में ओडिशा तक कोरोना की सेकेंड वेव रोकने के लिए लॉकडाउन रूपी बाधाएं खड़ी की गई हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है। अरुणाचल प्रदेश में राजधानी ईटानगर और आसपास के जिलों में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। तो मणिपुर में 16 में से 7 जिलों में 2 हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेघालय और नागालैंड के अहम जिलों में भी लॉकडाउन है। ओडिशा में 19 मई तक फुल लॉकडाउन है। तो तेलंगाना ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। वहीं सिक्किम में 16 मई को लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं। कोरोना की सेकंड वेव इतनी भयानक है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि भारत इस समय कोविड-19 महामारी की सुनामी से गुजर रहा है। भारत में हर दिन तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर यूनिसेफ निश्चित रूप से बेहद चिंतित है। सेकेंड वेव पहली वेव से लगभग 4 गुना अधिक है और वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम औसत देखें तो पिछले 24 घंटे में हर सेकेंड 4 नए केस आए और हर मिनट 2 लोगों की जान चली गई। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वे हम सबके लिए खतरे की घंटी है। पूरे दक्षिण एशिया में कोरोना के केस बहुत चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रहे हैं, खासतौर से नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में। पिछले साल के नेशनल लॉकडाउन की आलोचना और उससे गरीबों और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के बाद मोदी सरकार अब तक नेशनल लॉकडाउन का ऐलान करने से परहेज करती आई है। हालांकि कई एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि देश में कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगना चाहिए, पर केंद्र सरकार ने अब तक इस विचार के दबाव में आने से बचने की कोशिश की है। लॉकडाउन से कई नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक है, लेकिन तमाम राज्यों ने अपने यहाँ के चरमराते हेल्थ सिस्टम को बचाने के लिए, तो ओडिशा जैसे राज्यों ने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है। वहीं गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं जो टोटल लॉकडाउन के खिलाफ हैं। तो बिहार जैसे राज्य कोर्ट के चलते लॉकडाउन का सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से लगे लॉकडाउन के फायदे दिखने लगे हैं। पॉजिटिविटी रेट डाउन हुआ है और फ्रेश कोविड केस भी कम हो रहे हैं। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक अगर हम देखें तो कई जगह से ये खबर आ रही है कि शायद केसेस कुछ आस्ता आस्ता स्टेबलाइज हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे थे कि पहले जो गति थी केसेस की वो बहुत ज्यादा थी, केसेस एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि कई क्षेत्रों में, अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, कुछ हद तक दिल्ली में भी, तो केसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। और उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते तक, 15 तारीख तक शायद हम कुछ एरियाज में केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएं। हालांकि दिल्ली के लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ सरकार ने इसमें और सख्ती बढ़ाते हुए मेट्रो सेवाएं बंद कर दी हैं।
मैरिज हॉल या घर के बाहर शादियों के समारोहों पर रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत में भी कमी आई है। फिर भी दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन से लेकर टीकों तक केंद्र सरकार से कई शिकायतें हैं। आप बताइए किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काटकर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी, ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। ये जघन्य अपराध है। अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है भारत सरकार ने। आज पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। आज लोग मर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए किसी तरह से। यूपी, एमपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस में कमी आने पर कुछ लोगों का मानना है कि महामारी की सेकेंड वेव पीक पर पहुंच चुकी है और अब इसमें कमी आ रही है। हालांकि अभी बहुत से एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि देश में रोज लगभग 4 लाख से ज्यादा नए कोविड केस आ रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि सेकेंड वेव पीक पर पहुंच चुकी है। उस पर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कम हो गई है। दो चीजें हुई हैं। एक तो चीज ये हुई है कि हम इस दफा जो वायरस है वो थोड़ा म्यूटेट कर गया है, जो वेरिएंट है वो ज्यादा जल्दी फैल रहा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि एक परिवार में 2 या 3 लोग कोविड से, उनको कोविड होता था और लोग ठीक रहते थे तो काफी हद तक सपोर्ट मिल जाता था। अब हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव आ रहा है और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफी सीरियस इलनेस हो रही है। दूसरी चीज ये हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस हैं वो बहुत शार्प हैं। पिछले दफा जब पीक हुआ तो केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे, तो हेल्थ केयर सिस्टम को और सब लोगों को समय मिला कि हम आस्ता आस्ता टर्नओवर अपना कर सकते थे, एडमिशन कर सकते थे, लोगों की केयर जो है वो बेटर हो सकती थी। इस दफा केसेस जो हैं वो कुछ ही दिनों में डबल होने लगे, ट्रिपल होने लगे और 15,000-20,000 से हम एकदम 3-4 लाख तक पहुंच गए। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा, ऑक्सीजन के लिए एकदम शॉर्टेज होने लगी और बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड की कमी हुई। उसके कारण पैनिक सी सिचुएशन होगी, लोग एकदम घबरा गए। अगर हम दूसरे देशों के उदाहरण देखें तो शायद हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि सेकेंड वेव की पीक आई है या नहीं और आएगी तो कब। फ्रांस में कोरोना की सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से 11.7 गुना केस ज्यादा आए थे। अमेरिका में सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से 9.3 गुना ज्यादा केस आए थे। ब्रिटेन में पहली वेव के मुकाबले सेकेंड वेव में 8.7 गुना ज्यादा केस आए, तो इटली में सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से 7.4 गुना केस ज्यादा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।